हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है कौन सा डे? थर्सडे। तो गाइस बताना वैसे मेरे को ब्लॉग कैसा लगा। और मैंने सब कुछ ऐड कर दिया था। और फिर कल का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी ब्लॉग है कल की। आज आ जाएगा शाम 6 बजे, तो आप लोग देखना और इन्जॉय करना। कल के ब्लॉग में क्या किया था वो आपको ब्लॉग देख के पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगी। और आज का जो ब्लॉग है वो फुल ऑन रहेगा एसएल अपडेट पे, क्या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का क्या अपडेट है। और कमेंट का रिप्लाई करूंगी मैं हर एक का, क्योंकि बहुत दिन हो गया नहीं कर पा रही हूँ। 1 वीक हो गया, आप लोग का बहुत सारा मैसेज पड़ा हुआ है, मैं किसी का रिप्लाई तक नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है। बट आज मैं इसमें करूँगी। तो गाइज डोंट वरी, आप लोग प्रिपेयर हो जाओ कि क्या अपडेट आने वाला है और क्या क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा। और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या, प्रोसेस अभी क्लोज हो गया, अब हायरिंग बंद है, सब मैं अभी आज डिटेल में बता दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ज़्यादा लेंथी वीडियो रहेगा नहीं, कम का ही रहेगा, सिर्फ अपडेट रहेगा। और जैसे कि आप कल के वीडियो में देखोगे, एसएल में वो चल रहा है, अभी गेम चल रहा है, प्लस प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, बहुत सारा ओके मतलब फंक्शन चल रहा है। तो उसमें ना गाइस, मतलब कल मैंने ज़्यादा कुछ तो पार्टिसिपेट किया नहीं, कल मैं आ गई थी हाफ डे में। तो आज मैं देखती हूँ कुछ हो पाता तो मैं करूँगी उसमें। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ना कॉलेज की फीलिंग होती है ना, स्कूल की फीलिंग होती है, वो आ रही है एकदम वाइब्स। जैसे एनुअल फंक्शन होता है ना हमारे, तो चलो जॉब लाइफ में ये सब हो तो अच्छा लगता है। तो चलिए वो भी थोड़ा बहुत क्लिप ऐड कर दूंगी। कल क्या हुआ था, कल तो मैं मिस कर दी थी, पूरा नहीं देखी थी। आज जो होगा पूरा वो मैं थोड़ा बहुत ऐड करूँगी। बाकी टोटल फुल एसएल प्रोसेस पे रहेगा। तो गाइस बी अवेयर और आप लोग रेडी हो जाओ देखने के लिए। चलिए फिर अभी जाती हूँ मैं जिम, जिम जाना है आज। जिम में मैं जुम्मा क्लासेस करूँगी, उसके वीडियो बनाऊँगी, वो भी ऐड करूँगी। गाइज मज़े ही मज़े हैं। और मकर संक्रांति आ रहा है गाइज, कौन कौन खाता है दही चूड़ा बताना। मैं तो खाती हूँ और खाऊँगी, और मैं संडे को सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मंडे को भी है, संडे को भी है। बट मंडे ऑफिस से छुट्टी मिलेगी नहीं, बहुत छुट्टी ले लिया मैंने इस बार। और तो फिर संडे को सेलिब्रेट करते हैं आप लोग के साथ। चलिए फिलहाल जाते हैं जिम, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 8 बजने वाला है। गाइस बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी है ना, गुस्सा आ रहा है ठंडी में, इतना ज़्यादा ठंडी कर रहा है, मतलब बॉडी मालस बना रहता है। चलिए जाते हैं जिम, आते हैं फिर, मिलते हैं आप लोग से जिम से आके, ऑफिस आके रेडी होके। बाय गाइस, हैप्पी डे। क्या ये देखो गाइस, ऑफिस आ गई हूँ मैं। मैं बता दिखा रही हूँ, ये डेकोरेशन पेंटिंग वेंटिंग सब गेम है। गाइस ऑफिस आ गई हूँ मैं और जा रही हूँ ऊपर काम वगैरह करने के लिए। बाकी आज मैं पूरा एसएल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे अपडेट दूंगी आप लोग को। तो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। और नीचे प्रोग्राम भी है तो उसको भी अटेंड करना, आप देख रहे हो बैकग्राउंड पे। अभी तो स्टार्ट नहीं है, 1:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो फिर उसमें भी ज्वाइन करूँगी। चलिए पहले थोड़ा देर बैठते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। हेलो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आज वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, आज बेसिकली एसएल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से होगा। और जिनका जिनका कमेंट है उनका रिप्लाई करूँगी। जो जो वीडियो अभी पेंडिंग है, बहुत टाइम से पेंडिंग हो रहा था, क्योंकि लास्ट मैंने एसएल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से बनाया था जिस दिन मैं वहाँ जा रही थी वैष्णो देवी। उसके बाद मैंने बनाया नहीं कुछ, क्योंकि फिर वैष्णो देवी गई, फिर ट्रिप से आई, फिर कंटिन्यू बिजी थी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था कल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पहले मैं अपडेट दे दूँ थोड़ा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अभी भी बहुत का पेंडिंग है, अभी भी बहुत बहुतों का टाइम लग रहा है कि कितना टाइम और लगेगा और कब तक होगा या नहीं होगा। सो सब मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट प्यार करने के लिए आप लोग को। तो
एक होती ना मोटिवेशनल, तो अच्छा लगता है कि चलो हम मुझे मोटिवेट कर रहे हो, फिर आप लोग सपोर्ट भी करते हो, तो चलिए थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एसएल ऑनर प्रोसेस से। ये है गाइस, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है अभी, हायरिंग बिल्कुल फ्रीज नहीं हुई है, बट थोड़ा सा स्लो हो गया है प्रोसेस, क्योंकि अभी फेस्टिवल अभी भी चल रहा है। अभी भी आप देख आज के वीडियो में देखोगे या कल के ब्लॉग में कि अभी फेस्टिवल गोइंग ऑन है, तो फेस्टिवल के कारण ना ये थोड़ा इधर ही इंगेज रहते हैं, बट बैक एंड पे प्रोसेस भी चल रही है, बहुत को मेल भी जा रहा है और हायरिंग अभी चल रही है गाइस। 3 मंथ है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, और जिनका भी पेंडिंग है और जिनका टाइम लग रहा है, तो गाइस आप लोग अपने एचआर से कनेक्ट करो और बातें करो, वही आपको अपडेट दे पाएंगे। क्योंकि देखो मैं इंडिविजुअल पर्सन का अपडेट नहीं दे पाऊँगी, मैं यहाँ पे यही अपडेट दे पाऊँगी जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि मैं सब अलग अलग लोकेशन पे है, पुणे लोकेशन है, लखनऊ है, बेसिकली नागपुर लोकेशन बेस्ट ज़्यादा है, बैंगलोर है, लखनऊ है, पुणे है, ये सब लोकेशन पे ज़्यादा है, तो फिर लोकेशन वाइज देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग अपने एचआर से कनेक्ट करते रहो, उनको मेल करते रहो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी आपको रिजोल्यूशन हो जाए। तो बाकी यहाँ का जो अपडेट है, बाकी एक चीज़ और मैं बता दूँ गाइज, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो एसएल की हायरिंग चल रही है वो अभी मतलब स्पीड में है आई थिंक, क्योंकि मैंने पहले बताया था 3 मंथ बाद ना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो मतलब 3 मंथ बाद स्लो क्या, 3 मंथ बाद ये थोड़ा हायरिंग फ्रीज करने लगते हैं धीरे धीरे, तो अभी उनको नीड है और चल ही रही है। बाकी मैं लिंक वगैरह सब तो ऐड कर रखी हूँ, बाकी चलिए लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को, ज़्यादा नहीं दूंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी, बट इसमें प्रॉपर अपडेट रहेगा ताकि आप लोग को जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्यूशन मिल पाए और आप लोग का रिजॉल्व हो पाए। तो मैं कमेंट से स्टार्ट करती हूँ। अभी पहला कमेंट किसका था गाइज, मैं पता है मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही, मुझे सोचा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा इतना, बट चलिए आज मैं सारा इसमें कवर करती हूँ। पहला कमेंट था उदय चतुर्वेदी का, जो मैंने वैष्णो देवी का ब्लॉग डाला था, हाँ तो ये मैंने पढ़ा था उदय चतुर्वेदी का। तो कंग्रेचुलेशन उदय चतुर्वेदी, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ गई है 15th ऑफ जनवरी, तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, चलिए ज्वाइन कीजिए। और प्रिपरेशन के लिए क्या क्वेश्चन होगा तो आप एक बार मुझे डिटेल में बताना कि आपका कितना स्टेप हो रखा है, उसके बाद मैं आपको मैसेज के थ्रू गाइड कर दूंगी। बाकी तो वैसे कुछ प्रिपरेशन होगा नहीं, आपका इंटरव्यू क्लियर ही होगा, बाकी वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपको पूरा डिटेल बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। सो चलिए देखिएगा, इस सबको मेल आ रहा है तो आप लोग को भी आएगा, सो डोंट वरी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अनुजा पाटिल का मैसेज था, ये लिंक्डइन में है, तो इन्होंने बोला है कि मतलब कुछ का हो, टोटल 60 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे जिसमें से 5 का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो रखा है और बाकी लोग वेट कर रहे हैं, तो 1 मंथ से वेट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं अनुजा, जैसे 5 का हुआ है आप लोग का भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस अभी स्लो चल रहा है, तो धीरे धीरे काम हो रही है बैक एंड पे, तो आपको भी मेल आ जाएगा, बाकी जो पेंडिंग पड़े हैं उनको भी आ जाएगा। बाकी अनुजा मैं आपका मैसेज का रिप्लाई प्रॉपर लिंक्डइन पे अभी डाल दूंगी इसके बाद, इस वीडियो के बाद। बाकी एक का कमेंट था, सॉरी मैसेज था, ज्योति किरण करके नाम है इनका, ये साउथ के हैं। ज्योति किरण का क्या है ना, इनका मतलब 50% पे है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, इनका इसके आगे ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इनके आगे, तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी आपको अपने एचआर को बोलना पड़ेगा, इनका मतलब 2 इनिशिएट रहना पेंडिंग है, एक ई साइन पेंडिंग है और एक एसएल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस लास्ट जो स्टेप होता है ना वो पेंडिंग है, तो आपको अपने एचआर को मेल करना पड़ेगा। अगर आपके एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होता है ना कभी कभी उनके एंड से ना टेक्निकल ग्लिच हो जाती है, तो उसके कारण ना क्या होता है आपका यहाँ पे शो होता है पेंडिंग, तो आप उनको एक बार बोलो वहाँ से इनिशिएट करने के लिए, अगर वो वहाँ से इनिशिएट करते हैं तो आपके पास ई साइन का आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पे अपना ई साइन करके पूरा फिल करके फिर आप सबमिट कर सकते हो, तो ये आपको वहाँ पे एक बार रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, देन आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको मैसेज में रिप्लाई कर दूँगी इस वीडियो। हाँ दिलीप शुक्ला का मैसेज था कि वो ऑलरेडी एसएल में जॉब कर रहे हैं L1 प्रोफाइल पे सर्विस डेस्क में, तो क्या अदर कोई रिलेटिव प्रोफाइल है नेटवर्किंग से रिलेटेड का। तो गाइज देखो आप दिलीप जी, आपको ना पहले अपने प्रोजेक्ट में रिलीज लेना पड़ेगा, अगर
यहाँ पे एस्सेल में वैकेंसी होगी सेम प्रोफाइल में, तो आपको देन मिल सकता है। ये आपको अपने कोई फ्रेंड के थ्रू पता करना पड़ेगा, जिस फील्ड में मैं हूँ इसमें तो नहीं है अभी वैकेंसी, इसमें सिर्फ ये टैग भी वालों को ले रहे हैं, एक्सपीरियंस को नहीं ले रहे, तो इसके लिए सॉरी। बाकी आप अपने एंड से वहाँ ट्राई करो। चीज़ बताने वाली थी, क्या मैंने बताया था ना अभी कि मेरे सब्सक्राइबर मिले थे मुझे दो, तो मुझे उनकी ज्वाइनिंग हो गई, वो एस्सेल में जॉब भी कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग चल रही है। उनका नाम है माही राय, राय नाम है उनका। उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी लिया था और उनकी मतलब मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके काफ़ी, मतलब इतना सपोर्ट इतना प्यार किया आप लोग, थैंक यू सो मच। रिया, रिया नहीं राय, सॉरी माही राय, सेम नेम उसका भी माही राय। तो चलिए मैं और कमेंट देख के फिर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, कि ज़्यादा करूँगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। हाँ तो गाइस, एक का कमेंट था क्या उसको ऑफर लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग डेट मिल गया और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी कंप्लीटेड है, तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हाँ गाइस, मैं आप लोग को बता दूँ एक चीज़, अगर आपको पहला स्टेप होता है कि आप फॉर्म फिल करते हो, देन सेकेंड स्टेप आपका वो एक्सेप्ट करते हैं इधर अपने एंड से, देन उसके बाद फिर है वो आपको कॉल करते हैं इंटरव्यू राउंड वगैरह लेने के लिए, फिर वो वहाँ से सिलेक्ट करते हैं, देन आगे प्रोसेस करते हैं। फिर आपको दो राउंड होता है, ये रिटन होता है, या वर्सेंट टेस्ट होता है, या फिर टेक्निकल राउंड होता है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से फील्ड में जा रहे हो, तो वो HR डिसाइड करते हैं। देन उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो जाता है सारा, तो उसके बाद आपका फिर होता है SL ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट, जिसमें कि टोटल 100% करना होता है। इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, प्लस आपका BGV वगैरह होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो वो सब करने के बाद आपका ही साइन वगैरह, फिर ये आपको जॉइनिंग डेट देते हैं, फिर ऑफर लेटर देते हैं, फिर उसके बाद आप SL में हायर हो जाते हो प्रॉपर वे में, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये सारे स्टेप कंप्लीट, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो रजत, देखो आपको ना आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, सारा प्रोसेस हो गया, बट आपको कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो आपको देखो, आपको पहले तो लोकेशन पता करना होगा कौन से लोकेशन से हो रही है, क्योंकि जब इंटरव्यू वगैरह होती है तो फिर आपको लोकेशन पता चल जाता है ना कौन सा लोकेशन दे रही है। अगर आपको लोकेशन पता चल गई है कि कौन सी है, तो आप वहाँ पे मेल करो और उनके HR को भी कनेक्ट करो और उनसे टाइम पूछो एग्जैक्ट कितना टाइम और लगेगा, सो उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा मेन क्या रीज़न है। क्योंकि अगर SL लोकेशन होगी 126, तो मैं आपको सारा अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी कितना टाइम और लगेगा, देन आप वहाँ से पता करो, फिर मुझे आप इंस्टाग्राम में पूरा डिटेल में मैसेज करो, देन आई विल लेट यू नो इन डिटेल। तो गाइज, जिनका भी कमेंट था और जिनका मुझे मिल पा रहा था, बाकियों का मुझे नहीं मिला अभी थोड़ा, बाकी मैं सर्च करके फिर देखती हूँ, अगर होगा तो मैं आज अपडेट दे दूँगी, बाकियों को नहीं तो फिर कल दूँगी। तो जिनका भी प्रोसेस चल रहा है या फिर कितना टाइम लगेगा, तो गाइज आप लोग अपने HR को कनेक्ट करो और अपने अपने लोकेशन पे अगर इफ़ पॉसिबल तो विजिट करके देखो, क्योंकि वहाँ से ही आपको न्यूली अपडेट मिल पाएगा। बाकी 126 का अपडेट मैं आपको प्रोवाइड दूंगी, आई एम श्योर कि वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये नहीं कि मैं फेक बोलूँगी या फिर कुछ झूठा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं गाइज। अगर मुझे झूठा बोलना होता तो मैं रोज़ आपको अपडेट दे सकती थी ना, मैं जब वैष्णो देवी थे मैंने बोला था कि नहीं अपडेट मैं नहीं दे पाऊँगी, जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या रियल है क्या सच झूठ है। तो और मैं अभी पता करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे अभी पता चलता है तो मैं आपको अपडेट अभी प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आप प्लीज़ अपने एंड से पता करो जितना जल्दी हो सके। और जिनका 6 मंथ है 8 मंथ है, तो गाइज आप लोग अब टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, इतना टाइम वेट करने का क्या मतलब है। आप खुद सोचो ना, अगर मैं कहीं भी 8 मंथ दे रही हूँ, इतना टाइम होने के बाद क्या वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। जो जिनका 1-2 मंथ से नहीं हो रहा है, इवन 4 मंथ से नहीं हो रहा, तो 8 मंथ तो काफ़ी होता है सर मैम, आप तो प्लीज़ अलग जगह ट्राई करो। और आप अभी SL में भी ट्राई कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे और SL के और डिटेल पे, आप जाके मेरा देखो, लिंक वगैरह एडिड है, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो अगेन और ट्राई कर सकते हो। अगर आपको फिर करेंट लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंकडिन में प्रोवाइड करूँगी, मुझे मैसेज करना, DM कर देना। और बाकी गाइज, SL में आने के लिए क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है और कैसे आ सकते हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको आप लोगों को बता दूं। देखो, आप पहली बात तो स्टडी मैटर करता है, और क्वालिफिकेशन में आपको BCA, BCom, BTech, BBA, MBA, MBA 12th पास सभी लोग आ सकते हैं, इवन 10th पास को छोड़ के। तो 12th से लेके आपको जितनी भी ग्रेजुएशन है, मास्टर्स वगैरह सब आ सकते हैं लॉ को छोड़ के।
तो आप लोग ट्राई करो, इतने ही नीडेड है। बाकी आपकी CV होना चाहिए, जो देखो डिग्री बिल्कुल मैटर नहीं करता जॉब टाइम में, कहते हैं ना लोग डिग्री मैटर करता, बट मैंने तो अभी तक डिग्री अपनी ली भी नहीं है देहरादून से जाके, सिर्फ मार्कशीट अटैच किया है। हाँ, मार्कशीट आपकी होनी चाहिए और कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जैसे BTech करते हैं ना, बहुत को बैकलॉग आता है, तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और मार्कशीट आपके, आप जैसे स्टडी कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो जॉब परस्यू करते हुए भी। तो ये आपको देखते हैं, ये 4 साल का या फिर 3 साल का जितने भी ग्रेजुएशन है उसके बाद ओनली मार्कशीट ही अटैच हो करते हैं, और बाकी आपको बोनाफाइड वगैरह बाद में लेना पड़ता है। बाकी आपको क्वालिफिकेशन से चाहिए क्या क्या लगता है तो आपको डिटेल में बाद बता दूंगी। बाकी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल या फिर कुछ भी ऐसा रेड नहीं होना चाहिए, तो ये कंपनी वाले हायर नहीं करते हैं, इनकी ये सिक्योरिटी रीज़न है। बाकी चलिए देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है, और बाकी ब्लॉग में और करके मैं आपको बताती हूँ सारा अपडेट, और देखती हूँ थोड़ा अपडेट पता करके आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ। गाइस गाइस दिवाली सज रखी है, तो जी मैं थोड़ा आज नाइट का व्यू ऐड कर देती हूँ, देखती हूँ क्या क्या हो रहा है कहाँ कहाँ, बाकी कल तो थी नहीं। तो चलिए दिखाते हैं, स्टार्टिंग कर दिया मैंने यहाँ से। ये स्टॉल लगा है, आप जैसे देख रहे हो ये स्टॉल कैफे 2 के पास भी लगा है, ये कैफे 1 के पास भी लगा है। ये स्टॉल में गेम है, आप अपने तरीके से खेल सकते हो गेम जो आपको पसंद है। दिखा रही पूरा योगा का हो रहा है, जो आप व्यायाम वगैरह कैसे कर सकते हो वो सारा इन डिटेल में बता रहे हैं। चलिए इधर से क्रॉस कर जाते हैं फटाफट, दिखाती हूँ आगे, फिर मुझे ऊपर भी जाना है। काफ़ी ठंड है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड। चलिए, इट्स ब्यूटीफुल, लाइटिंग अच्छी लग रही है ना गाइस। मॉर्निंग में दिखा रखा है सारा सेम ही, थोड़ा सा लाइटिंग दिखा दी। गाइस मैं भी गई थी पता करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं प्रोसेस तो चल रहा है मैम अभी, और जिनको भी नहीं किया है मेल उनको भी जाएगा, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो फिर आप लोग टेंशन मत लो, सो सबको होगा, सो डोंट वरी गाइस। देखो मैंने तुरंत पता किया और आप लोग को अपडेट दे दिया। तो चलिए अभी जो हो रही है, आई थिंक ये क्लोज हो गया है, आज नहीं होगा कल होगा, पता नहीं क्या हुआ है सामने, अभी नहीं तो डांस वगैरह होता भंगड़ा होता करते, बट अभी होगा नहीं। तो चलिए कल होगा, बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो कल करते हैं कनेक्ट फिर से। और अभी के जितने भी वीडियोज़ रहेंगे सारा रहेगा एस्टल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से ही, क्योंकि अभी कल भी मैं अपडेट वही दूंगी, परसों भी वही दूंगी, सेम अलग अलग आएगा क्या क्या आएगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहना तो आप लोग को पता चलेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करते, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल कुछ और अपडेट मिलता है, आई विल शेयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए इन्जॉय करते थोड़ा, आप लोग ऐसे का व्यू भी देख लो कितना अच्छा, बिल्कुल दिवाली सेलिब्रेट हो रहा है गाइस। कौन कौन दिवाली मना रहा है? 22 जैन को हमारे घर राम जी आ रहे हैं फिर से, तो चलिए मैं तो सेलिब्रेट करूँगी, आप लोग भी करना गाइस। चलिए ये ब्लॉग को यहाँ पे तो नहीं, हाँ यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी घर जाके खाना तो खाऊंगी, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना प्यार सपोर्ट यू ही बनाए रखना, और स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर नेक्स्ट अपडेट। चलिए बाय।